नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। साथियों, यूं तो मैं धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म और उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने और सुनने के बाद ये लगता है कि मुस्लिम धर्म में भी इंसानियत के नाम पर बहुत कुछ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि किसी जानवर से भी उतना ही काम लिया जाए जितने में उसे तकलीफ ना हो, उसकी पीठ पर इतना ही सामान ला दो जिससे उसे समस्या ना हो। और यहाँ पर हम उस समाज में अब जी रहे हैं, उस धरती पर हम जी रहे हैं जहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम या फिर सभी धर्मों में काफ़ी मोहब्बत देखने को मिलती थी, भारत में देखने को मिलती थी। अनेकता का देश था भारत, जहाँ पर एक दूसरे की समस्याओं के साथ हम खड़े रहते थे। लेकिन अब लगातार जो धार्मिक उन्माद और धार्मिक नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है। कारण क्या है, इस कारण का अभी भी नहीं पता, लेकिन जिस देश में या जिस समाज में एक दूसरे के गले मिलकर हम साथ चलते थे, वहाँ पर धर्म के नाम पर गला काटने की प्रक्रियाएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। लोगों के अंदर जो इंसानियत थी, धर्म के नाम पर उस इंसानियत को बिल्कुल से मार दिया गया है और वो इंसानियत अब सिर्फ और सिर्फ नफरत में फैल चुकी है, नफरत में बढ़ती जा रही है। लोगों के दिलों और दिमाग में सिर्फ इस बात का इल्म रह चुका है कि हमारा धर्म सर्वोच्च है और हम अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये समाज किस ओर जा रहा है, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हम किस ओर जा रहे हैं, इस पर हमें सोचना और समझना चाहिए। उदयपुर की कन्हैया लाल की हत्या लगातार सुर्खियों में है। कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके जवाब भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं और लगातार अब इन सवालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमें और आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर सोचना और विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम देने से पहले उनका एक बयान था और उस बयान में उन्होंने क्या कहा था। घटना के दौरान जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में मोहम्मद रियाज अंसारी, उसने बयान देते हुए ये कहा था अपने धर्म के लोगों से कि तुम लोग घर परिवार किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, धर्म के नाम पर जो कर सकते हो करो। जो का मतलब जो उसने उदयपुर में किया, अगर ये कर सकते हो तो करो और किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, अपने परिवार की चिंता मत करो, अपने लोगों की चिंता मत करो। लेकिन यही वो मोहम्मद रियाज है जिसने इस घटना से पहले अपनी पत्नी को किसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया था। उसको यह डर था कि जब मैं इस घटना को कर दूंगा तो उसके बाद जांच का जो दायरा बढ़ेगा उसमें मेरी पत्नी से भी पूछताछ होगी, उसको भी परेशान किया जाएगा। मोहम्मद रियाज के दिमाग में यह बात थी कि मेरी इस घटना से मेरी पत्नी को समस्या होगी और वही वो इंसान है जो दूसरों को यह सीख दे रहा है कि तुम लोग इस तरह की घटना कर सकते हो, तुम अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में मत सोचो। ये दोहरी मानसिकता, इसी को ब्रेन वॉश कहना बोलते हैं और कहीं ना कहीं इसी से समाज एक नए रास्ते की तरफ मुड़ता जा रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरत है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को हम घृणा की नजरों से देख रहे हैं और सिर्फ ये बताने में लगे हुए हैं कि हमारा धर्म सर्वोच्च है, हम अपने धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। कन्हैया लाल वो व्यक्ति जो मोबाइल नहीं चला सकता था, उससे उसका मोबाइल लेकर के ये देख चेक किया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि तुम्हारी तरफ से एक पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर जो कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में है। थाने तक बात पहुंचती है, पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसमें जो कन्हैया लाल है इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया, जमानत के बाद वो छूटे। लेकिन कन्हैया लाल ने जब अपने साथ हो रही समस्याओं की शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के सिर्फ समझौता कराना ही सही समझा। पुलिस ने कहा कि हम दोनों पक्षों को बुलवा दे रहे हैं, आप समझौता कर लीजिए। तो पुलिस क्या कर रही थी, जब एक बार कन्हैया लाल को इस एवज में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान का सपोर्ट किया था, और जब कन्हैया लाल ने यह बताया कि मैं भैया कुछ नहीं जानता हूं, मैं मोबाइल नहीं चला पाता हूं, मुझे फेसबुक के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने जेल भी काट ली है, जमानत पर बाहर हूं, उसके बावजूद ये लोग लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं 4 से 5 दिन से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा हूं, ये लोग मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं कि मेरी हत्या कर देंगे, जब इसकी शिकायत कन्हैया लाल ने थाने में करी तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है, हम दोनों पक्षों को बुला करके समझौता कर देते हैं। और समझौता हुआ और समझौते के बाद कन्हैया लाल ने अपनी जान गंवा दी।
लगातार ये जो मामला है अब बढ़ते जा रहा है, इस मामले को लेकर के जो जांच है वो बढ़ते जा रही है, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि आखिर हमारा समाज, हमारी सोच, हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है, हम क्यों एक दूसरे से इतनी नफरत कर रहे हैं, धर्म के नाम पर इस तरह की मानसिकता को पनपने देना कितना सही है, और आखिर ये तालिबानी सोच क्यों इतनी बढ़ती जा रही है जहां पर हम एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं, लगातार इस तरह की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, क्यों हमें कोई समझाने वाला नहीं है, और आखिर हम किसकी सोच पर, किसकी समझ पर चल रहे हैं जो इस तरह की समस्याएं देश प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं जहां पर हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। वो देश जहां पर हम अनेकता में एकता की बात करते थे, उसी देश में आज इस तरह के माहौल उत्पन्न हो गए हैं जहां पर सिर्फ धार्मिक कट्टरता, जहां पर धर्म के नाम पर हत्याएं, जहां पर धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में ये जान लेना भी जरूरी है कि उदयपुर की ये जो घटना है, अब इसके तार जो है वो कानपुर से जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर में एक संगठन है और इस संगठन का नाम है दावते इस्लामी। ये संगठन कानपुर में जगह जगह पर लोगों से पैसे चंदे के तौर पर इकट्ठा करता था और उसके बाद लोगों से ये कहता था कि हम इस इकट्ठा किए हुए पैसे से गरीब बच्चियों की शादी करवाएंगे, जो समस्याओं में लोग हैं उनको, उनकी सहायता करेंगे, और उसके नाम पर ये चंदा जो था वो इकट्ठा किया जाता था। लेकिन इकट्ठा करने के बाद बताया ये जा रहा है कि सूफी खामका एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी कैसर हसन मजीदी, उनकी तरफ से बयान जारी करके ये कहा गया है कि दरअसल ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, इस पैसे से किसी का भला नहीं हो रहा था, इस पैसे से पाकिस्तान या फिर उससे जुड़ी हुई जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसे बढ़ावा देने का काम हो रहा था। NIA अब इसकी जांच कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल अभी भी यहां पर यही बना हुआ है कि आखिर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है, इस तरह की तालिबानी सोच क्यों उत्पन्न हो रही है, और आखिर इससे बाहर निकलने के लिए हमारे और आपके पास क्या रास्ता है, ये पूरी घटना क्यों घटी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप बयान सुनिए और उसके बाद में इस डिबेट को शुरू करता हूं। इन लोगों ने इंसानियत की सभी सीमाएं पार कर दी। इस प्रकार की हत्या करना और जिस तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है उससे सबकी रूह हिल गई है, और मैं समझता हूँ कि वो लोग पकड़े गए हैं। अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देते हैं उन लोगों की इस सभ्य समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं है। देखिए, उदयपुर की जो घटना है वो इंसानियत और मानवता पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ये हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ हैवानियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये कोई तालिबान नहीं है कि आप किसी का गर्दन काट के और वीडियो बनाएंगे। तो उन लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को सभ्य समाज में रहने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस बात को कहा है कि ये भी जो जघन्य घटना घटी है इसमें जो आरोपी हैं इनके साथ किसी भी तरह से कोई भी रियायत ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई हो, इनको फांसी की सजा हो, ऐसी मांग जो है लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है कि आखिर एक फेसबुक पोस्ट करने के एवज में क्या किसी की हत्या करी जा सकती है? नुपुर शर्मा के लिए जिस पोस्ट को कन्हैया लाल के फोन से किया गया था और फेसबुक पे जिस पोस्ट को लेकर के बवाल मचा था, कन्हैया लाल का कहना है कि मैं ना तो मोबाइल चला पाता हूँ ना तो मुझे फेसबुक चलाना आता है, मैं अपनी टेलरी की दुकान चलाता हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरी पत्नी है, और इसी टेलरी की दुकान से मैं अपने घर का जीवन यापन कर रहा हूँ, 4 दिन मैंने अपनी दुकान नहीं खोली है, मैं सजा भी झेल कर आ चुका हूं, उसके बावजूद ये लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं मोबाइल नहीं चला पाता हूं, मुझे फेसबुक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरा बेटा मुझसे गेम खेलने के लिए मोबाइल लेता है, वो क्या शेयर कर दिया है, क्या नहीं कर रहा, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसके बाद अगर इस तरह की घटना घटती है तो आप खुद सोचिए कि कन्हैया लाल कौन होगा, कन्हैया लाल ने क्या किया होगा, और कन्हैया लाल क्या ऐसा कुछ करना चाह रहा होगा या नहीं जिसकी सजा उसे दे दी गई है। इस तालिबानी सोच को और पनपने ना दिया जाए,
इस तालिबानी सोच पर कैसे रोक लगे, ये बहुत अहम है। फिलहाल सभी मेहमान जो है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे साथ शफत हुसैन साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा माफ कीजिएगा, हाँ शफत हुसैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आमिर साबरी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं, समाज सेवी के रूप में अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हुए हैं, और नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शफत हुसैन साहब आप ही के पास आना चाहूँगा। लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देश प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, क्या कारण है, क्या लगता है आपको? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने समय रहते हुए नुपुर शर्मा के ऊपर सही तरीके से कार्रवाई कर दी होती तो शायद इस तरह की घटनाएं ना बढ़ती। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो गया है तो कितनी जल्दी हम ये सोचे, ये समझे, ये जान लें कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द इनके किए की सजा मिलेगी? भाई साहब, ये मुद्दा जो आपने उठाया है बहुत अच्छा है, आपके चैनल पर मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और अगर इस मुद्दे पर मैं बोलूंगा तो जो हमारे सहयोगी साथी जो मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं वो यही कहेंगे कि भाजपा के बचाव में और नुपुर शर्मा के बचाव में बैठे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं आज इनके साथ एक मुस्लिम होने के नाते मैं इनसे बात करता हूँ कि जो मैं जो बुद्धिजीवी और स्कॉलर हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लाम की छवि जो आज इस दौर में जो पेश की जा रही है, क्या ये वही इस्लाम है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया और ताइफ के लोगों ने उनसे उनको पत्थर से मारा और पत्थर उनके ऊपर लगा तो जख्म हो गया, खून बह रहा था, यहाँ तक कि उनके नालायन मुबारक जूतों में खून तक भर गया था। तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को भेजा, पहाड़ के फरिश्ते थे जो हमारे यहाँ मजहब में बताया गया है, और उन फरिश्तों ने भेजा, कहा कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है, आप हुक्म दे तो मैं इन दोनों पहाड़ को मिला दूं ताकि ये बस्ती पूरी जो है उसी में दबके फना हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, इनको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। आज अगर ये इस्लाम को नहीं मान रहे हैं तो इनकी आने वाली औलादें जो है वो इस्लाम को मानेंगी। तो अल्लाह के नबी का एक फेल वहां पर, और दूसरा जब एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे नबी जब रास्ते से गुजरते थे, एक यहूदी औरत उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, ये सभी लोग आज डिबेट में चर्चा में जान चुके हैं, तो क्या अल्लाह के नबी ने उस औरत को या उस दौर के जो सहाबी थे क्या उन्होंने उसका कत्ल किया? नहीं किया। और उसके बाद आपको मैं सबसे आखिरी बात बता रहा हूँ, जब अल्लाह के नबी को उनके घर से निकाला गया जब वो मदीना चले गए और 10 साल के उसके बाद जब उन्होंने मक्का की वापसी की, जिसको कहते हैं फतेह मक्का, जब फतेह मक्का उन्होंने किया, मक्का में आए, अपने घर पर आए, तो क्या जिन लोगों ने उनको वहां से भगाया था और सहाबियों को और अल्लाह के रसूल को, क्या उन्होंने उनसे बदला लिया? भाई हमारा मानना यह है कि हम अपने नबी की सुन्नतों पर हमको अमल करना है, जो भी मुसलमान है वो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करेगा और कुरान के हुक्म को मानेगा। तो क्या अल्लाह के नबी ने उन पे जो है मक्का के लोगों से बदला लिया था? अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा था कि जो जिस धर्म में है वो उस धर्म में रहेगा और हमको किसी से कोई किसास यानी बदला नहीं लेना। जब उन्होंने इतनी बात बड़ी बात कह दी और किसी सहाबी ने बदला नहीं लिया, तो आज अगर मान लीजिए मैं नुपुर शर्मा जी ने कोई बयान दिया, उन्होंने उसके ऊपर इतना बवाल क्यों? हम मुसलमान पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आज जो अल्लाह की तरफ से मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं कि हम अपने नबी और अल्लाह के रास्ते को भूल चुके हैं। और ये एक कड़वा सत है जिसको ये आपके चैनल पर नहीं मानेंगे और ना ही स्वीकार करेंगे और मुझे ही गलत ठहराएंगे। ठीक है सर, ठीक। क्या मैं आप देखिए, जब इस्लाम आया, यहूदी नसरानी जितने भी मुल्क हैं वो सब की किताबों में लिखा है कि मोहम्मद साहब आखिरी नबी हैं। क्या दूसरे मुल्क के लोग इस बात को मानते हैं आपके आखिरी नबी को? नहीं मानते हैं। और मैं इन लोगों से यह कहना चाहूंगा, जब फिदा हुसैन एक पत्रकार क्या कहते हैं चित्रकार था, उसने देवी हिंदू भाइयों के देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई, तो क्या हमारे इस भारत के जो हिंदू थे जो 80 करोड़ उस वक्त 70 करोड़ होंगे या 60 करोड़ होंगे, क्या वो लोग उग्र हुए? या उन्होंने फिदा हुसैन के घर पर जाकर के उनको तोड़फोड़ किया या उनको मारा? इस बात का मुझे जवाब दे दे। ठीक है सर, ठीक। मैं कभी भी हिंदू भाई मुसलमान हमेशा अपनी तकरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अपशब्द बोलता है और हिंदू भाइयों के धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें बोला करता है, लेकिन मैं जहां तक मेरी इस वक्त उम्र जो है वो 50 साल की हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदू समाज या बजरंग दल या कोई भी शिवसेना कोई भी सड़क पर उतरी हो और मुसलमानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ठीक है,
ठीक है मैं आता हूँ, इस तरह की कोई घटना, लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए जो घटना की, आप बताइए किसी के परिवार को आप जाकर, क्या ये नबी का कृत्य है, क्या ये आपके नबी ने बताया है, क्या यही आपको इस्लाम बताता है? इस्लाम कहता है माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। और ऐसी ठीक है शफात हुसैन साहब मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है थैंक यू। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है, उसके बावजूद आप लोगों ने कभी भी इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन अब लगातार इस तरह के कदम जो उठाए जा रहे हैं, ये किस नजर से आप देख रहे हैं, इस घटना को किस नजर से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका कि आपने इस बहस में मुझे शामिल किया। देखिए नितिन जी, बात ये नहीं है, बात यह है कि जो घटना हुई है वो वाकई दिल को झकझोर देने वाली एक हृदय विदारक घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और कम ही नहीं बल्कि अच्छी बात यह है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और फास्ट ट्रैक के जरिए अभी जानकारी मुझे ये भी मिली थी कि अशोक गहलोत ने उन NIO को ये मामला सुपुर्द कर दिया है। बहरहाल अच्छी, ये भी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि इनको सख्त सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं कि घटना बहुत बहुत निष्ठा की स्तर पर आगे की गई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरीके का हमको सबक नहीं सिखाया है, ना कहीं कुरान ना कहीं किसी हदीस में ये मिलता है। लेकिन ये मसला सिर्फ वही है नितिन जी कि जब धार्मिक उन्माद सर चढ़ करके बोलता है तो इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। ये धार्मिक उन्माद के सर चढ़ के बोल रहा था इसीलिए घटना घटी, आपको याद होगा। धार्मिक उन्माद कैसे हो रहा है, क्यों इनके सर पे चढ़ रहा है? नितिन जी सुन लीजिए, ये वही धार्मिक उन्माद है कि जिस तरीके जिसमें तबरे अंसारी की हत्या हुई, ये वही धार्मिक उन्माद है जिसमें अखलाक खान की हत्या हुई, ये वही धार्मिक उन्माद है कि जो पहलू खान मारा गया वो भी राजस्थान की घटना थी, ये वही धार्मिक उन्माद है कि जो जुनैद हाफिज को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। देखिए धार्मिक उन्माद चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का है, दोनों तरफ खतरनाक साबित होगा। और देखिए एक बात और, हम आपको नितिन जी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आपको याद होगा कि सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर था जो एक गौ कच्ची की जांच कर रहा था, उसको चूंकि वो गलत फंस रहा था, ये लोग फंस रहे थे, तो उसकी जांच में उसको बुरी तरीके से मार दिया गया लाठियों से पीट पीट के, और यहां तक कि उसको गोली मार दी गई, और जब उसके हत्यारे बाहर आए तो उनका माल्यार्पण प्रकट करके स्वागत किया गया। आप किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं ये? अरे आप पूरी बात तो सुन ले मेरी, हम जो बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी धर्म किसी तरीके का अराजकता नहीं फैलाना बताता है, ना ही किसी तरीके का बताता है, लेकिन जो भी कुछ करता है वो व्यक्ति करता है। इन व्यक्तियों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनके शक्ल सूरत से पता चल रहा है, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं, एक बात। दूसरी बात, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मॉब लिंचिंग आपको याद होगा, चित्रे मॉब लिंचिंग में क्या हुआ, 10-10 लोगों ने एक एक आदमी को घेर घेर के मारा था, ये क्या था? ये भी तो धार्मिक उन्माद था। यही धार्मिक उन्माद वजह क्या है, जब उनका मारने वाले का जब स्वागत होगा जेल से आने के बाद, तो इस तरीके की आशंकाएं नितिन जी बनी रहेंगी। ये वही है कि जो सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर के हथियारों का जो स्वागत हुआ, माल्यार्पण किया गया और उनकी बल्ले बल्ली गई, ना जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो वो ये कहीं ना कहीं इसको सबक आगे लोगों को मिलता है, उनका हौसला बढ़ता है इस तरह की घटना करने वालों का कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा भी स्वागत होगा। उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई कैद नहीं है नितिन जी, गुंडा गुंडा है, अपराधी अपराधी है, आतंकी आतंकी है। आप अपराधी अपराधी भी बता रहे हैं, आप दूसरी चीज भी बोल रहे हैं कि समर्थन नहीं, कहां बता रहे हैं, सुन तो लीजिए भाई, अगर राम निवास वही अपराध करता है तो अपराध है, और कोई आमिर साबरी वही अपराध करता है वही अपराध है। अभी हम आपको एक घटना और बता दें कि एक लड़का था दलित, उसने खाली मूछे अपनी बड़ी हुई थी, उसको उसने फेसबुक पे अपना अपलोड कर दिया था फोटो, उसको आप समझिए बुरी तरीके मार करके इतना मारा कि मौके पर मर गया। आप बताइए जिस तरीके घटनाएं समाज में अगर घटित होंगी और फिर उसका जब बल्ले बल्ले करी जाएगी, उसकी जिंदाबाद करी जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा, तो नितिन जी ये मान के चलिए। शफात हुसैन साहब कह रहे थे अभी आपके धर्म में कई ऐसे नाम है बड़े जिनके ऊपर कई सारी जो उनके साथ गलत चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं करी। बिल्कुल शफात हुसैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन शफात हुसैन साहब जिस तरीके से मुसलमानों पर एलिगेशन लगा देते हैं ये भी गलत है। बिल्कुल शफात हुसैन साहब की एक एक बात से हम सहमत है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्श नहीं है, ये सबक नहीं है कि किसी की हत्या करे। उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं, बेइंतहा जुल्म हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुम मुझे नबी ना मानो कोई बात नहीं है, अपनी तरह इंसान तो मानो, इंतहा हुई थी तो उन्होंने कहा इन्ना माना बशरुम मिसलुकुम कि मुझे तुम नबी ना मानो लेकिन अपनी तरह इंसान तो मानो, आदमी तो मानो, ये भी एक सच्चाई है। हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये भी एक तरफा किसी को पूरे समुदाय को टारगेट कर देना एक आदमी को लेकर के, ये भी नितिन जी गलत है। ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। अनुराग ठाकुर हमारे साथ समाज सेवी है। अनुराग क्या कहना चाह रहे थे आप, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं साबरी जी की पूरी बात सुन रहा था,
मैं अपनी एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ कि आस्तीन में खंजर छुपाकर चोला ईमान का सिलाने आए थे। साबरी जी ने बहुत चीजें गिना दी, सुबोध, इंस्पेक्टर, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। आज ये जो तालिबानी सोच है नितिन जी, पूरा मुसलमान समाज, जो पूरा मुस्लिम समाज आज वो जिम्मेदार है कि आज वो इसके खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा है, आज वो घरों में क्यों बैठा है वो। देखिए यही आपकी बात गलत है, यही आपके क्यों उतरे आप। साबरी जी मैं आपको पूरी तन्मयता से सुना हूँ, नहीं तो आप आशा करता हूँ इंटरप्ट ना करिए भाई, पहले राउंड में इंटरप्ट ना करिए। नितिन जी इनसे ये कहिए, ठीक है आप अपने राउंड अपने अपने टर्न पे बोल लीजिएगा प्लीज। नितिन जी सुन लीजिए, हम कतई नहीं सुनेंगे, इनसे ये कहिए जबान संभाले, अपने टर्न पे बोल लीजिएगा प्लीज। साबरी साहब भाई इनकी शांति से नहीं सुनेंगे या शांति बचाने वाले लोग हैं। आप पर्टिकुलर आमिर साबरी को गाली दीजिए लेकिन पूरे समाज को ना गई। हाँ ठीक है सुन लीजिए आप अपने टर्न पे बोलिए। नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं पूरे समाज को आज कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा हूँ। जब नुपुर शर्मा का मामला होता है, आपने अभी बोला कि अगर नुपुर शर्मा के ऊपर उचित कार्रवाई हो जाती, वो जेल चली जाती, तो आज शायद ये कन्हैया लाल साहू की हत्या नहीं होती। लेकिन कमलेश तिवारी जी तो ढाई वर्ष जेल में रहकर आए थे, उनके ऊपर रासुका लगाई गई थी, फिर भी एक इस्लामिक पागल, एक इस्लामिक आतंकी ने आकर उनकी गला काट के हत्या कर दी, गोली मार दी ना। कमलेश उसके बाद आप लोगों निकले, आप एक तथाकथित जो एक आर्ट न्यूज का फैक्ट चेकर है, जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, ट्विटर पर बैठकर पत्थरबाजी करता है, आप उसके समर्थन में तो बोलते हैं आप, लेकिन आप कभी आप कंडेम तो कर रहे हैं इस घटना को, लेकिन बाद में जो है लीपा पोती कर दे रहे हैं कि तबरेज को मार दिया गया, उस चोर को मार दिया गया, इसको फलाने को मार दिया गया, सुबोध को मार दिया गया। आज इस मुस्लिम समाज जो है आज क्यों अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, जिस तरीके से जन सैलाब आ गया था नुपुर शर्मा के खिलाफ। और नितिन जी वो सब लोग जिम्मेदार हैं जो कहते थे अपने तकरीरों में, कहते थे वो राजनेता या वो इस्लामिक स्कॉलर या वो जो मौलाना थे, जो कहते थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, आज वही कर दिया गया। ये सब लोग जिम्मेदार हैं आज, इस पर कोई नहीं बोलेगा। आज ये घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये तालिबानी सोच। अनुराग जी आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। पूरे समाज को हमारी आत्मा नहीं है। साबरी जी कह रहे हैं कि ये पूरे समाज को ना बोला जाए, मुझे मैं जवाब दे रहा हूँ। साबरी साहब सुन लीजिए, साबरी साहब जब मैं बचपन में या आप बचपन में जब छोटे थे, आप घर जब कोई आप अपराध करके कोई बदमाशी शरारत करके आते थे, तो जिम्मेदारी आपके घर में कौन लेता था? आपके वालिद साहब लेते होंगे, आपके चाचा जान लेते होंगे, आपकी आपकी बड़ी बहनें होंगी वो लेती होंगी, या आपके पड़ोसी लेते थे? कौन लेता था उसकी जिम्मेदारी? आपको सुधारने की जिम्मेदारी या मुझे सुधारने की जिम्मेदारी कौन लेता था? तो आज समाज की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? अगर असलाफ वाले को बोलकर किसी का गला काट दिया जा रहा है, अगर अल्लाह का नाम लेकर, नबी का नाम लेकर किसी का गला काट दिया जा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ये किस किताब में लिखा है, ये किस किताब में लिखा है कि अगर कोई आप ब्लास्फेमी करे तो उसका गला काट दिया जाए? ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रदीप तिवारी हैं कांग्रेस से। प्रदीप भाई आप लोगों से एक सवाल बहुत बनता है, मैंने अभी अपनी शुरुआत में भी कहा था कि जब कन्हैया लाल को लेकर के शिकायत की गई तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, जब कन्हैया लाल ने शिकायत की तो कुछ नहीं हुआ, समझौता कराया गया, क्या इसकी भी कोई जांच वांच होगी? देखिए नितिन जी, पहली चीज देखना पड़ेगा घटनाक्रम क्या रहा। घटनाक्रम जो हुआ कन्हैया लाल के उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको थ्रेट है, इस तरीके की धमकियां मिल रही, धमकियां मिल रही है। उसके बाद पुलिस के द्वारा जबरदस्ती नहीं कराया गया, दोनों लोगों ने आपस में बैठकर समझौता किया जिससे थ्रेट उनको, जिससे थ्रेट मिल रहा था। देखिए पहली चीज तो थ्रेट मिल रहा था तो उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, एक्शन लेने का ये, मगर अगर आप समझौता करना चाह रहे हैं किसी के साथ में तो क्या पुलिस कह दे कि नहीं आपको समझौता नहीं करना है? पुलिस तो क्या मतलब एक FIR दर्ज करवा दे उनसे जबरदस्ती कि नहीं आप इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर दीजिए, हम इनको तुरंत पकड़ के, अगर कोई समझौता करके मामले को शांत करना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है, तो उसमें वहाँ पे पुलिस का रोल इतना ही होता कि अगर वो करना चाह रहा है तो उस चीज को वहाँ पे सुलह समझौता करके समझा दिया जाता है। सर समझौते कैसे होते हैं आपको भी पता है? नहीं
मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। दूसरी चीज, मैं देखिए पहली चीज ये मैंने बात करी जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया। हाँ। दूसरी चीज, मैं कल भी आपके चैनल पे बैठा था और मैं बता रहा था कि देखिए जो घटना घटी वो नहीं घटनी चाहिए थी, घटना जो घट गई वो घटनी नहीं चाहिए थी। और घटना घटने के बाद में क्या होता है सरकार का रोल, वो आपको राजस्थान में समझ में आ गया होगा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी और उन दो अपराधियों को जिन्होंने इतनी घृणित काम किया जिसके लिए समाज में कतई कोई जगह नहीं है, कोई समाज का व्यक्ति इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता है, इस चीज को स्वीकार भी अगर उसी वक्त पकड़ के गिरफ्तार कर लेते तो ऐसी घटना नहीं होती। कह रहे समझौता करवा दिया, आपको कोई जानकारी होता है कि अगर कोई एफआईआर लॉज नहीं करवा रहा है तो उसको हम जबरदस्ती उठा करके थाने में ठूस दें? पुलिस का काम समझौता होना चाहिए कि अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहा है बन गई है तो आपको आप जबरदस्ती यहाँ से योगी राज चला दें कि कोई नियम कानून और संविधान को हम ताक पे रख दें? योगी जी कानून का पालन कर रहे हैं, कल भी आपके प्रवक्ता योगी जी कानून का पालन कर रहे हैं भाई साहब, बुलडोजर चलवा देते भाई हम संविधान को, बुलडोजर चलना चाहिए, कानून अपना तभी कानून रखेगा, उसको गिरफ्तार पे हाथ काट दे और गर्दन काट दे। आ रहा हूं साबरी साहब, कल मैं बता रहा हूँ, पता नहीं आपको, आप लोगों को जवाब देना चाहिए, बता रहे हैं कि पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए, कहाँ थी आपकी सेंट्रल एजेंसियां, कहाँ थी आप, क्या जांच कर रहे थे? इस तरीके से आप, इसी तरीके से आपने बलाकोट करवाया, क्या क्या आपने करवा दिया, आपकी एजेंसियां सोती रहती है, जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए कि इस तरीके से जो एक्टिविटी घट रही है आपकी सेंट्रल एजेंसियां क्या काम कर रही है, बॉर्डर पार करके वो ट्रेनिंग लेकर के आ गया और आप दोषारोपण काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपने यहाँ पे इतना भारत देश में उन्माद फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश में हिंदू मुस्लिम नाम की इतनी बड़ी खाई खोद करके रख दी आपने जिसको पाटने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे देश की जनता। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है मैं आता हूँ, प्लीज ठीक मैं आता हूँ। सुभाष यादव हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, लगातार इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ती जा रही है, क्या कहना आपका उदयपुर की घटना को लेकर के, जाँच को लेकर के और अभी आगे की जो आपने डिबेट सुनी उसको लेकर? नितिन जी, सबसे पहले तो मैं जो नहीं भाई इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, उसके पास जैसे जो उदयपुर के अंदर जो भी हुआ, राजस्थान के अंदर जो भी हुआ, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। धार्मिक उन्मादता की जो बात हो रही है पूरी तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शफात भाई ने पहले ही बोल दिया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के मालिक, उन्होंने इस्लाम के अंदर जो भी लोगों को बताया कि लोगों को माफ़ करो, उस तरीके से अगर देखा जाए तो इस्लाम नहीं चल रहा है। जैसे कि मुस्लिम स्कॉलर साहब बैठे थे, साबरी साहब इन्होंने बोला या समाज सेवी अनुप त्रिपाठी जी ने बोला, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जिस प्रकार आमिर साबरी साहब डिफेंस कर रहे थे, एक तरफ वो बोल रहे थे कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन एक तरह से जिस प्रकार वो डिफेंस कर रहे थे कि मॉब लिंचिंग की उन्होंने बात कर दी, अरे सुभाष जी मैंने डिफेंस किया ये बताइए, बोलने दोगे तो बताऊंगा, बोलने दोगे तो बताऊंगा कि पहले बता दूंगा, बताइए तो मैंने कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, बता रहे हो कैसे बताऊं, अच्छा बताइए बताइए बताइए, सबर नहीं लगता आपके अंदर साबरी, सुन तो लीजिए डिफेंस डिफेंस किस तरीके से, कि आपको बताऊं मैंने डिफेंस, आपने मॉब लिंचिंग की बात कर ली, आपने सुबोध सिंह हत्याकांड की बात कर ली, आपने पशु तस्करों की बात कर दी, यानी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ये मैसेज देना चाह रहे थे कि आप लोगों ने ऐसा किया, उसका रिएक्शन हमने करके दिखाया उदयपुर के अंदर, आप ये कहना चाह रहे हो क्या? आप ये कहना चाह रहे हो? आपने एक बार बोला शाहमत भाई की बातों के अंदर कि जो भी हुआ गलत हुआ, सुन लीजिए बोला ऐसा, अरे आप दुनिया भर उदाहरण दे रहे हो यार, मतलब ये नहीं पूरा समाज गुनहगार हो गया, मैं जैसे कंडम करता हूँ वैसे आप भी करिए, डिफेंस मत करिए आप किसी चीज को, वो गलत गलत हुआ आपने गलत बिल्कुल नहीं बोला, सुबह अत्याचार की जिम्मेदारी दे रहे हो आप, मैंने कोई डिफेंस नहीं किया, डिफेंस किया आपने, नितिन जी मेरी प्रवक्ता हमारे पता ही नहीं किया, भाई है इनकी बात करता हूं, आप इन्होंने बोला कि मैंने आपके गुनाह गिनाए हैं इसलिए आपको लग रहा है, ठीक है साबरी साहब, ठीक है ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, आपके गुनाह गिनाए मैंने इसलिए आपको लग रहा है डिफेंस किया मैंने, मैं क्या बोलूं जनाब आपसे, नहीं गुनाह गिनाए क्या, नहीं गुनाह क्या, आपने जो डिफेंस की बात की तो मैं बोलूंगा नहीं कि आपको क्या, मैंने क्या डिफेंस किया, आपने डिफेंस किया, आपने दुनिया भर की जो कहानी, दुनिया भर की कहानी क्यों सुनाई आपने,
अरे दुनिया भर के आप उसे सबको मानते हैं, आपके आखिरी नबी है, 1,24,000 पैगंबर आए थे आपके, उसके बाद आखिरी नबी यही थे, उन नबी की बात को आप मानते हैं? आप मानते हैं उस नबी की बात को? नबी की बात को मानिए पहले, ये मानवता को साक्षात करने वाली घटना थी, उसको आप मानिए, उसका कंडम करिए और बोलिए कि सारे मुसलमान समाज के लोग इसका कंडम करें। कैसे कंडम करें? क्योंकि धार्मिक उन्मादता ठीक है, लेकिन इस हद तक धार्मिक उन्मादता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेजी ज्यादा ना होइए, ज्यादा उत्तेजित ना होइए, हमारे हिंदू धर्म को उत्तेजित नहीं होते जी, हमारे हिंदू तो बिल्कुल उत्तेजित नहीं होते कि भाई गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप क्यों उत्तेजित ना होइए? ठीक है साहब, ठीक है, जितेंद्र सिंह ने मुझे थी गाली बड़ी अपलोड कर दिया था फोटो और उसको मार दिया, ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया भैया, मुझे ये तो समझ में आ गया। आमिर साबरी साहब कितने ठाकुर बन गए? नहीं, आमिर साबरी साहब ये तो समझ में आ गया कि जो अभी आप मुस्लिम स्कॉलर हैं या नहीं है, आपको कितना ज्ञान है धर्म के बारे में, ये भी मुझे समझ में आ गया, और आप कितने अच्छे वक्ता, ये भी मुझे समझ में आ गया आपकी बातों से ही, मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया इसकी बात पे आता हूं, अभी अनुराग ठाकुर बहुत ज्ञान दे रहे थे, मुझे समझ में आ गया, समझौता करा दिया। समझौते वाली बात यहाँ पे आ जाती है, किसके अंदर पूरी तरीके राजस्थान सरकार का भी फेलियर है, जिस प्रकार जिस मैं आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, लगता है आपकी और आमिर साहब की लगता है कोई जुगलबंदी है क्या, जुगलबंदी है? आपने अभी बोला कि दोनों पक्षों को बुला के समझौता करा दिया गया था, समझौता कराने के बाद में चले गए, जबकि 15 जून को लिखित तहरीर दी थी कन्हैया ने और उसने बोला था कि मेरी दुकान की रेकी की जा रही है, मेरी जान को खतरा है, मैं 4 से 5 दिन से दुकान नहीं खोल रहा हूँ, आपका पुलिस विभाग ने उसकी सिक्योरिटी के बारे में क्यों नहीं उसको अच्छी तरीके से लिया, क्यों नहीं उसको सीरियस लिया? अगर सीरियस ले लेते तो शायद कन्हैया कुमार जी आज हमारे बीच के अंदर होते, तो ये भी गवर्नमेंट का फेल, उसको एक्सेप्ट करिए, गलत है तो गलत है। आप जांच एजेंसियों की बात कर रहे हैं, मुंबई के अंदर हत्याकांड हुए थे, मुंबई के अंदर जो अरविंद कसाब आया था वो किसकी सरकार थी? वो आपकी सरकार थी। एजेंसियों की बात कर रहे हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करिए, बस गलत हुआ वो गलत हुआ है, जो भी घटना हुई है मानवता को शर्मसार वाली घटना है, राजस्थान घटना नहीं हुई है, इसके पहले भी दलित होता है, उसको भी देखिए आप जरा, ठीक है प्लीज। आप लोगों का प्रदीप भाई, प्लीज प्रदीप भाई, नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में, नईम भाई आप इन घटनाओं को किस नजर से देख रहे हैं, डिबेट में जो अब तक हुआ उसको किस नजर से देख रहे हैं, और इस तरह की तालिबानी सोच क्यों बढ़ती जा रही, क्या कारण है? मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को जो इशारसार हो रही है और हुआ है, मैं इसका तहरे दिल से अपना इसका बहुत बहुत अफसोस जाहिर कर रहा हूँ, और अल्लाह से दुआ भी मेरी है कि हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएँ ना हो। और जो नितिन जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी इसके पीछे किसी का भी हो, कोई भी हो, वक्तव्य हो या क्या भी इसके मसला हो, मैं उन लोगों के भी और NIA से भी, हमारी ED है, बहुत सी एजेंसियाँ हैं हमारे इंडिया में, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर निष्पक्ष जाँच करें, और जो इसके पीछे लोग भी हैं वो या जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजाए मौत हो। मैं तो कह रहा हूँ कि सऊदी अरब की तरह जो अपने इंडिया के फास्ट कोर्ट है और उसका करेगा डिसीजन, लेकिन मैं तो कहता हूँ देन एंड देयर इनको फांसी करके सजा देनी चाहिए, इन लोगों को बिल्कुल इनके साथ रियायत नहीं होने की, कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को ये लोग शार कर रहे हैं। हम एक ऐसा देश की एकता और अखंडता की बात करता हूँ, आज जो देश के अंदर जो नफरत जो शर्मा को लेकर और जिंदल को लेकर हुई है, हम उस चीज को अब हटाना चाहते हैं कि अब इसको कब तक के राग गाओगे, हिंदुस्तान में कितने मतलब जो है शहरों को मतलब तमाशगीन बनाओगे, किसकी कितने कत्ल करोगे, क्या इससे देश का हमारा समाधान होगा? हम लोगों को, बुद्धिजीवियों के लोगों को, सभी को, हिंदुस्तान के हर एक वर्ग को, हर एक पार्टी को इस बात के लिए सोचना चाहिए, और ये जहन में उनको होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसकी नजर लग गई है, आज हमारा हिंदुस्तान का वर्ल्ड के अंदर इतना लोकतंत्र देश आज किस उस पर जा रहा है, आज हमारी देशों में, आज हमारी जो इतनी, आज जो छोटे छोटे मुल्क हैं, आज जिनको बोलना नहीं आता है, आज वो भी मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, जिनको हम आज मतलब वो देते थे जीने के लिए, हम जीते थे, जैसे मालदीप लो, छोटे छोटे से मुल्क ले लो, एक नहीं कितने भी मुल्क हैं, आज वो हमको आंखें दिखा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे देश के साथ? और हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए, और देश के अंदर हमारे बुद्धिजीवी और पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को एकता के लिए संदेश बने, और हिंदू मुस्लिम का एकता का संदेश बने, जैसे 1942 में जब हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाया था, उस दिन अंग्रेज़ों ने यह समझ लिया था कि अब बहुत गजब का होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू ने एक में खा लिया,
उसी दिन अंग्रेजों को लगा कि अब हमको यहाँ से अपने बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था। तो आज दोस्तों हम उस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि इस मतलब गंगा जमुनी तहजीब को अगर हमें जिंदा करना है, हिंदू भाइयों से भी मेरी यही गुजारिश है, इल्तिजा है कि वो लोग भी आगे बढ़ के आएँ और हमारे बुद्धिजीवी भी लोग, हमारे भी स्कॉलर और हमारे जो हैं उलमा और हमारे देश के हिंदुस्तान के, और ये लोग सब लोगों को आना चाहिए। देखिए एक बात बताऊँ, अब जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इस वक्त उन चीज़ों को छेड़ने का नहीं है। आप तो जानते हैं नितिन साहब, आप संवाददाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी हुआ, और मैं ये तो जानता हूँ कि दुनिया हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा संविधान है। संविधान के बाद में हमारी न्यायपालिका आती है। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान और न्यायपालिका को चाहिए कि सही निष्पक्ष जाँच हो, किसी भी मतलब कोई भी घटना घटती है तो उसकी सही जाँच होनी चाहिए, और जो मतलब जो हैं जो लोग इसमें गलत तरीके से हैं उनको सजाएं मौत होनी चाहिए, और उनके साथ की दोबारा कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसकी देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई सवाल। ठीक, साबरी साहब क्या कह रहे हैं आप, बोलिए जल्दी से, फिर सवाद भाई आपके पास आ रहा हूं। हां साबरी साहब, देखिए नितिन जी बहुत अच्छी बात हमारे नईम भाई कर रहे थे, हम पहले जो हमारे यादव जी बहुत उत्तेजित हो रहे थे, मैं बता दूं मैंने सही कीजिए, सवाद भाई को आवाज नहीं मिल रही साबरी साहब की। मैंने डिफेंस नहीं करा था, आप भी जान रहे हैं और जितने पैनलिस्ट बैठे सब जान रहे हैं, मैंने ये बात कही थी कि जब हथियारों का स्वागत होगा जेल के आने के बाद की घटनाएं घटने की आशंकाएं बनी रहेंगी। मैंने ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि अगर उन्हें ना सुनी हो तो दोबारा सुन ले। मैंने डिफेंस नहीं किया बल्कि मैंने ये कहा था कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये बहुत ही घृणित घटना घटी है हिंदुस्तान के अंदर, और ये सोच कैसे पंथी बड़ा सवाल ये है। और एक तरफ राजस्थान की सरकार पे अगर ये इल्जाम लगा जा रहे हैं, देखिए मैं कांग्रेसी नहीं हूँ मैं पहले बता दूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक दर्जी था, निहत्ता था, सुन लीजिए, वो दर्जी था और निहत्ता था। किस पार्टी का है? नहीं नहीं इस चीजों से नहीं, हमको जो है मैं यही बता दूंगा किस पार्टी का हूँ, पहले पूरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जानते हैं आप? अरे सुन लीजिए, हम आपको हमारा मतलब ये है कि जब वो तो निहत्ता दर्जी था, इस निंदा पे हत्या कर दी जाएगा, कलाकार घट गई है, हत्या हो गई है, तो वो तो छोड़ दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में बात करिए कितनी मोरूची हुई और जेल के अंदर हत्या हुई, ढाई साल की बच्ची का आग्रह। साबरी साहब सवाल भाई कुछ पूछ रहे हैं आपसे, सर रेत दिया गया। अरे सवाल साहब को आवाज आ जाते नहीं, हमसे क्या पूछेंगे भाई? साबरी साहब आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, फर्जी आगे बैठे हैं। अरे चिल्लाओ नहीं यार, तुम्हें शरीयत का शाह मालूम नहीं है, तो हम तो शरीयत पूछ रहे हैं। किसी दिन आमने सामने बैठ जाना, सारी किताबें लेके चले जाना, मैं तुमको शरीयत बता दूंगा। शरीयत क्या है? आपकी शर्ट चढ़ी हुई है, ये हराम है टखने से ऊपर, पता है आपको? चलिए चलिए इन बातों को यहाँ पे नहीं है वो मत नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर बने हुए हैं यहाँ पे, वो मकरूह होता है और ये है जी जी ना राजनीति का और ना हाँ का। ये आपने सही कहा, मकरूह है, यही मैं जानना चाह रहा था कि जानकारी है या नहीं है। इनको शर्म नहीं आ रही है? इनको शर्म साहब आप नॉन स्टॉप बोले, सुन तो लीजिए क्या कह रहे जमात भाई। साबरी साहब को शर्म आनी चाहिए, ये मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं और अपने अपने नबी की एक भी मिसाल इन्होंने पेश नहीं की इस मंच पर बैठकर। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो इन इन दो आतंकवादियों ने जो ये घटना की है, अगर इसके एवज में उदयपुर में कोई मुस्लिम की हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं बताता हूं, जो अभी बरेली के अंदर बता रहे थे, जलसा कर रहे थे 20 लाख आदमियों का, वो क्यों नहीं बोले कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता? देवबंद से आवाज क्यों नहीं उठी कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता? नबी से आवाज क्यों नहीं उठी किसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता? लखनऊ की कीने वाली मस्जिद से आवाज क्यों नहीं उठी किसकी इजाजत नहीं देता? जामा मस्जिद से आवाज क्यों नहीं उठी किसकी इजाजत नहीं देता? किसकी इजाजत नहीं देता? आप इस पे आइए कि सवाल नहीं सुन लीजिए, अभी आपके राज्य में भी हुआ है, किसी भी मोर्चे में हुआ है, लड़के उसको बोलने लगी है, तो वो जात का विषय है, आप उसको छोड़ दीजिए, आप किसी को वो आदमी खुद कह रहा है। प्लीज टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए प्लीज, उसको चौराहे पर गोली मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। सफा जी बेशर्मी ना कीजिए, ऐसे लोगों को चौराहे पर गोली मारनी चाहिए, जात का विषय नहीं है, उधर खाली जूते उठाइए भारी पड़े। उस आदमी ने एक हफ्ता पहले भी जो वायरल किया है उसके बाद घटना की है, क्या ये जात का विषय है? ये फास्ट ट्रैक का भी किसने कहा जाए, ये थ्रो कौन था, किसने कहा जाए, किसने इसकी हिमायत की है, हमारे इसकी बात का समर्थन किया है, क्या उसके घरों को आग लगाई, चिल्ला चिल्ला भाजपा नेता खुश कर रहा, कोई खुश होने वाला नहीं है, उसका सब्र का पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, हम जैसे गरीब मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक, साबरी साहब
टीवी पर बैठा करिए तो सोच समझ कर बोला करिए। ठीक है ठीक है, आप उसी समाज के स्कॉलर के रूप में बात कर रहे हैं। ठीक है आप किसी का डिफरेंस न करिए। ठीक है शबाद भाई, हाँ प्रदीप, उसने इस्लाम के खिलाफ काम किया, जिक्र कर रहे हैं। ठीक है साबरी, आपका जिक्र कर रहे हैं। हो गया साबरी साहब, हो गया, उन्हें चुप कराइए नितिन जी जरा सा। देखिए नितिन जी, जो विषय लेकर के आप आज आए थे, इस तरीके से एक घटना घट जाती है, घटना घटी, घटना घटने के बाद सरकार को, वहां की जो सरकार थी उसको क्या एक्शन लेना चाहिए था, क्या उसने एक्शन लिया या नहीं लिया, उस पे समता को एसआईटी का गठन किया और एसआईटी को जांच सौंपी। अभी एनआईए के पास में भी जांच है, अभी देखिए जांच चल रही है, अभी तो ये निकल के देखिए सब मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, जांच अभी ओपन नहीं की जा रही है, या किसी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी, अभी तक कोई जांच रिपोर्ट कहीं सौंपी नहीं गई है, ना कोई जांच रिपोर्ट कंप्लीट हुई है। अभी ये बताया जा रहा है कि उसके तार जो है पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, उसने वहां से ट्रेनिंग लेकर के इस तरीके का कुछ कार्य करना था, आगे इसको फैलाना था, कई जगह पे इस तरीके के काम करने थे, ऐसा कुछ मंसूबा था उन लोगों का। तो अगर ये फेलियर अगर आप देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपकी जो सेंट्रल की एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी, क्या इस तरीके का आपको इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं मिलता है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो वही घटनाएं बड़े रूप में कार्य की जाती है, कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए, आपने देखा होगा कि जो घटनाएं घटी पूर्व में, मैं उनका जिक्र क्या करूं, लोगों ने कितने लोगों को खो देते हैं, आपका इंटेलिजेंस फेलियर ये है। दूसरी चीज, यहाँ पे बैठ के सभी लोग, मतलब मैं क्या बताऊं कि हिंदू मुस्लिम ये मुसलमान में ये है, हिंदू में ये है, भाई व्यक्ति मरा है किसी के घर का, और लोगों ने, जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा कि इस तरीके का कृत्य कर जाए। फिर आप बताते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के रूप में इसको सरेआम गोली मार देनी चाहिए। भाई संविधान है, हम संविधान को फॉलो करते हैं, हम इस देश में, हम नहीं, आपने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया। हम जहाँ पे बात करते थे गांधीवाद की, तो आप क्या करते थे, गोदसेवाद लेकर के आ जाते थे। नफरत फैलाने का काम, नफरत का बीज बोने का काम आप करते हैं, और ऐसी घटनाएं घटती कहीं से, ऐसी घटना को अगर कोई, मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर हो, किसी भी ग्रुप के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा अगर इसको सपोर्ट किया जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना। मगर कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है उसका सपोर्ट, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मुझे नहीं दिखा जो ये कह रहा हो जो ये नृशंस हत्या हुई है वो सही हुई है, कोई नहीं कह रहा। मगर फिर भी अगर आपको राजनीति करनी है, आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की खाई और बढ़े, तो आप बैठ करके टीवी पे बयानबाजी करते रहिए, जो करना चाहिए करते रहिए, क्यों, क्योंकि आप इस समय सेंट्रल में पोजीशन में हैं, आप जो करना चाहिए, आपके खिलाफ तो कोई एक्शन होने वाला नहीं है ना, आप जो चाहिए वो करिए। देश को बांटने का जो दोष है वो आज नहीं तो कल आपके ऊपर, जब जनता जागरूक होगी, जनता जानेगी, तो जरूर आपको एहसास हो जाएगा कि आपने इस देश को क्या दे दिया, ठीक है, ठीक है, आपने इस देश को किस गड्ढे में डाल दिया। ठीक है प्रदीप, ठीक है शबाद भाई, आपने सुना प्रदीप जी ने क्या कहा, मैं आ रहा हूँ रवि। हाँ प्रदीप जी, ये कह रहे थे कि आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, सही तरीके से जांच हो रही नहीं हो रही उसके बारे में अभी भी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से राजनीति की जा रही है, और पूरे देश में इस तरह का जो माहौल उत्पन्न हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का फेल्योर है। आप ये बताइए, एक आदमी की हत्या कर दी जाती है और हत्या पर भारतीय जनता पार्टी किसी की हत्या पर राजनीति नहीं करती, ये काम कांग्रेस का है, ठीक है, ये अपना इतिहास 70 साल का उठाकर देख लें कि दंगे और फसाद के अलावा और आतंकवादियों की जो आते से इधर घटनाएं होती थी, ये इनकी सरकार में होती थी। हमारी सरकार जो है किसी की हत्या पर राजनीति नहीं करती है, ये इतनी दुखद घटना हो गई है, अगर इसका रिएक्शन होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये वो वही कह रहे हैं कि रिएक्शन, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि गोली मार दो, ये कैसा रिएक्शन होता है। वही चीज मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जो लोग, मैं यही कह रहा हूँ कि बरेली में जो मौलाना अपने 20 लाख की भेड़ को जमा करके पांच जो बयान कर रहे थे कि मेरे लड़कों, वो क्यों नहीं बयान दे रहे कि ये हमारे शरीयत के खिलाफ ये काम हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे लोग जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो धर्म के ठेकेदारों को यहाँ गिरफ्तार कर रही है, क्या कर रहे हैं योगी जी, आप बताइए ना, योगी जी तो बड़ा एक्शन लेते हैं ना, तो योगी जी से कहिए ना, उन तक बात पहुंच बरेली के मामले में पुलिस क्या कर रही, पुलिस समझौता करा रही है क्या, जमीन का झगड़ा कर रहा है, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रही भाई, हत्या करने के लिए सवाल है।
ठीक है सर, मैं आप लोग का पास आऊंगा। हाँ, अनुराग ठाकुर नितिन जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बरेली में अगर मौलाना कोई इस तरीके का बयान दे रहा है उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, किसकी जिम्मेदारी है ये? सवाल तो सर, सवाल पूछने पे आओ तो फिर बहुत से सवाल आप लोगों से भी बनते हैं, इनसे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ अनुराग, सावरी जी इंटॉलरेंस मत होइए भाई, थोड़ा सा नैतिकता बनाए रखिए। नहीं, अब नैतिकता आपसे सीखेंगे भाई, जरूरी है सीखना। तिवारी जी, खैर मैं आपकी बात पे अभी बाद में आऊंगा, मैं पहले तिवारी जी की बात पे जवाब देना चाहता हूँ। मैं प्रदीप तिवारी जी कह रहे थे कि यहाँ लोग इतनी बड़ी जघन्य घटना हो गई, इसका कंडेम नहीं किया, उसके बाद कह रहे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, फिर योगी जी जाएं यहाँ से, उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर होकर मुख्यमंत्री, हालांकि अभी ऐसा कोई नियम है नहीं कि मुख्यमंत्री। अरे भाई, बरेली की बात सुन लीजिए, आप इतनी बड़ी गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे, अभी यहाँ बैठ कर गंगा जमुनी नदी बना रहे थे, किसने ईजाद किया? हिंदू आतंकवाद शब्द किसने गढ़ा? हमने गढ़ा, भाजपा ने गढ़ा, किसने गढ़ा? त्रिपुरा की, राहुल गांधी त्रिपुरा की घटना पर तो बता देते हैं कि हिंदू गुंडों ने मार दिया, लेकिन आप कांग्रेस, आप यहाँ राजस्थान उदयपुर की घटना पर आप मुस्लिम या इस्लाम नाम नहीं लेना चाहते, क्यों, किससे डर रहे हैं आप, कौन सी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं आप? यहाँ से लोगों को निकलने में मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप लोगों ने मुश्किल कर दिया है, 70 वर्षों में आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए देश में कि आज देश हिंदू और मुसलमान दो धारी तलवारों पर खड़ा हुआ है, और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। प्रदीप तिवारी आप हैं इसके जिम्मेदार, राहुल गांधी जी इसके जिम्मेदार हैं, आज भी वो नहीं रुक रहे हैं, अभी आज भी वो नहीं रुक रहे हैं। अब मैं आता हूँ नितिन जी सावरी जी की बात पे, मुझे शिकायत साहब से भी है। अच्छा, मैं ठीक है प्रदीप भाई, प्लीज हो गया, सुन लीजिए, भाजपा से भी शिकायत है, लेकिन पहले मैं सावरी जी का जवाब, थोड़ा जल्दी जल्दी समय करना, एक लाइन में मैं जवाब दे दूं। ये बोल रहे थे कि आज ये कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, दुनिया भर का सुबोध हत्याकांड, पता नहीं कौन कहां कहां ये पहुंच गए, लेकिन ये उस कांड की इस सोच पे नहीं सोच रहे हैं कि ये सोच आखिर कहां से आई। कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई 18 नवंबर 2019 को, जमीयत उलेमा ए हिंद ने उसके खिलाफ जो है उनके लिए जो है हथियारों के लिए पूरी उसकी फौज खड़ी कर दी वकीलों की, तो ये कौन इनको दे रहा है, ये सह कौन दे रहा है? आज आखिर उसके रियाज की आंखों में डर क्यों नहीं है? क्यों नहीं ऐसे जमात को जो है बैन करा जाता और ये लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों ये अरे सरकार तो हिंदुत्व की है, करा दीजिए बैन भाई, बाहर उतर रहा है कोई, आखिर क्यों कंडेम नहीं कर रही है आकर? नूपुर शर्मा पे तो कैसे करें, आपको लिखित दे, अब मैं सफाद जी पे आता हूं, सफाद जी मुझे आपसे भी दिक्कत है, आपको स्टाम्प पे लिखित दे। आज जब रियाज ने गला काट दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तब आपके गृह मंत्री जी जागे? आज बंगाल में चुनाव के बाद कितनी महिलाओं का रेप कर दिया गया, आप नहीं जगे? कितने हिंदुओं की हत्या हो गई, कितने करौली हुआ आपके जहांगीर पूरी दिल्ली में हुआ, आप तब नहीं जगे? आज आप जग रहे हैं जब तलवार जो है प्रधानमंत्री जी के गले तक पहुंचने की बातें हो रही हैं, तो इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। देखिए जो घटनाएं आप बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखना उस प्रदेश की सरकार का काम। अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना हुई और उसको उसके ऊपर कंट्रोल न किया गया हो तो आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश दिल्ली में ये जो घटना हुई, मैं साबरी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि इस घटना पर जो रियाज अंसारी ने जो अपना वीडियो वायरल किया और जो ये कांड किया, क्या शरीयत के हिसाब से आवाज नहीं आ रही? आपको जानना चाहता है कि ये शरीयत के हिसाब से सही किया है या गलत किया है? आप इस्लामिक स्कॉलर है, इसका जवाब दे दीजिए। साबरी साहब, शफात भाई पूछ रहे हैं क्या शरीयत के हिसाब से ये घटना सही है कि गलत है? हमने तो सबसे पहले ये साहब को सुन रहा है, साबरी साहब आप जवाब दे दीजिए कि शरीयत में जायज है या नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं जो वो क्या नाम है, जो दर्जी था, निहत्ता था, खड़ा था, उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन यहाँ जेल में जो कत्ल किया गया उसके बारे में तो बता दीजिए। नहीं, वो पूछ रहे हैं शरीयत के हिसाब से सही है कि गलत है। नहीं, मैं बताता हूँ, आपने अभी कहा है, आप बता के जाइए, सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ आपकी बात का जवाब। आप उसको गलत वे में लिए जा रहे हैं। अगर आपका उस टाइम की बात है जिस टाइम को उनको लिखी गई है किताबें, उस टाइम जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब श्री कृष्ण
गौरव पांडव का अरे मैं हदीसों में चर्चा नहीं कर रहा हूं प्लीज अभी जो टॉपिक है उसके बात करिए में उन्होंने बढ़ के चढ़ के उन्होंने हाथ उसका पकड़ा था और फिर कहा था लड़िए कि जब तक के जो कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं दुश्मन जो जिससे मुल्क को खतरा हो या मतलब जात को धर्म को खतरा हो तब उसके लिए उसके फाइट में आते हैं ऐसा नहीं है कोई हदीस हमारी वो कोई ऐसी बयान नहीं करती है कि किसी कर दो हमारे हदीस में यहाँ तक के है कि पड़ोसी हमारा नेबर जो है अगर उसके घर में खाना नहीं पका है और हमारे घर में खाना खा रहे हैं तो मेरा हराम है खाना कितने लोग मान रहे हैं मैं अगर कोई कोई अगर नहीं सुनिए सुनिए अगर जी सुनिए जी अभी बताता हूँ अभी मैं यही हुआ था 90 में एक नहीं हजारों ऐसे चैप्टर है अगर मैं उस चैप्टर पे चला जाऊंगा तो उस डिबेट भी छोटी पड़ जाएगी मेरा ये कहने मतलब ये है कि हिंदुस्तान की एकता कैसे बरकरार की जाए जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को मतलब दिया है अंजाम उनके साथ क्या होना चाहिए और जो लोग समय कम है प्लीज जो लोग जो देश के हित में काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए और संविधान को मानिए और जुडिशरी को मानिए और हदीस के जिक्र में भारत नहीं बताती है साबरी साहब रियाद ने जो हरकत की है क्या वो शरीयत के खिलाफ है या नहीं है इसका जवाब दे दीजिए देश जानना चाहता है एक बार आप बोल दीजिए मैं इसके बाद जाऊंगा साबरी साहब के पास जाऊंगा तब तक वो जवाब सोच रहे हैं हां बताइए जी 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 बातें सुनी मुद्दा जो चल रहा था राजस्थान के उदयपुर का चल रहा था उन मुद्दे को इधर से उधर भटकाने का भरपूर प्रयास किया पूरा, गया पूरा। इसके अंदर अब जैसे समाज सेवी जो बैठे हैं अनुराग त्रिपाठी जी आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे जो आप बार बार यहाँ पे पूरी डिबेट के अंदर मैंने एक चीज तो देखी कि कहीं ना कहीं बाकी लोग तो उस चीज को लेके जा रहे हैं ठीक है कि जो हुआ गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन जिस प्रकार आमिर साबरी जी ने डिफेंस किया और जिस प्रकार अनुराग त्रिपाठी जी बार बार पर्टिकुलर वो दो आरोपियों के बाद में पर्टिकुलर पूरे समाज को जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अनुराग जी मैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखूंगा और आपसे मैं भी गुजारिश करूंगा कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं अगर एक आदमी गलत होता है तो सारे लोग गलत नहीं होते हैं जो आप दूसरे उदाहरण दे रहे हैं मैं बात जवाब दीजिए आप बाद में बार बार बीच में जवाब दीजिए बाद में जवाब दीजिएगा तो आपको भी वहाँ देखना है कि अगर एक आदमी गलत है तो पूरा समाज गलत नहीं है इसलिए किसी पर्टिकुलर पूरे समाज को आप जिम्मेदार मत बनाइए नितिन जी अब प्रवक्ता कांग्रेस जी ने बोला था कि वो जांच का विषय ऐसी कुछ घटना हुई नहीं थी जो भी चीज़ें उन्हें मालूम पड़ी थी मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी जानी झूठ है मेरे पास एक लेटर पड़ा हुआ है जो कन्हैया कुमार का है और कन्हैया कुमार ने वहाँ के थाना अधिकारी को चिट्ठी लिखी थी जिसके अंदर उसने तीन उसके अंदर हेडिंग डाली थी जिसके अंदर तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है पहला नहीं बोल रहा दूसरा तीसरा यह कि नाजिम उसके साथ अन्य पांच लोग तीन दिन से मेरी दुकान की रेकी कर रहे हैं और मुझे दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं सुबह शाम मेरी दुकान के बाहर पांच से सात लोग रोज चक्कर काट रहे हैं और मुझे पता चला कि वो मेरी दुकान खुलते ही मुझे मारने की कोशिश करेंगे ये स्पष्ट उसने थाना अधिकारी को लिख के बताया है और सुरक्षा की मांग की उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार और उसका प्रशासन अगर सोया रहता है तो कांग्रेस का फेलियर है प्रदीप तिवारी जी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बार बार बरेली पे बार बार उत्तर प्रदेश पे बार बार योगी पे जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए और उसी को पर्टिकुलर लेके चलना चाहिए ये बरेली झारखंड रांची बंबई कलकत्ता यहाँ हमको घूमने के लिए नहीं जाना जो दुनिया भर की कहानियां पे बनाने के लिए लोग बैठे हुए हैं दुनिया भर की कहानियां नहीं बनानी जिस मुद्दे पे पर्टिकुलर बात हो रही उसके ऊपर आना चाहिए जिसका फेलियर है वो एक्सेप्ट करे जिम्मेदारी ले यहाँ पे किसी धर्म को कटघरे में मत खड़ा करे कि हदीस गलत है या कुरान गलत है या गीता गलत है श्रीमद् भागवत गलत है इसमें किसी को ब्लेम न करे चीजों को एक्सेप्ट करे इसको पूरी तरीके से प्रदीप जी का जवाब ले लो मैं आऊंगा प्लीज मैं आऊंगा पहले जवाब अरे आप बोल चुके मैं आऊंगा आपके हाँ प्रदीप तिवारी क्या कह रहे थे आप मैं कह रहा हूँ मैं बरेली लेकर के नहीं जा रहा हूँ बरेली ट्रेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लेकर के पहुंच गया था कि बरेली के मौलाना ऐसा ऐसा कहे और उसके बाद एक घटना घट गई तो मैं उस परिपेक्ष में बोल रहा था कि बरेली में अगर इस तरीके का ठीक है सर बरेली हटाइए ना अभी जो सवाल किया गया वो बताइए सवाल का जवाब दीजिए क्या सवाल किया गया बरेली क्यों हटाया जाए भाई सवाल ये था जो लेटर था जो उसने पुलिस को दिया था उस पे जो चर्चा हो रही वो तो बात कर ले पहले प्रदीप भाई नहीं नहीं भाई प्लीज हाँ प्रदीप भाई प्रदीप जी का ऑडियो नहीं मिल रहा है प्लीज जवाब हाँ बोलिए प्रदीप जी का ऑडियो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है सही कर दिया जाए हाँ अनुराग तब तक बोलिए प्रदीप भाई अभी आवाज नहीं मिल रही आपकी आवाज सही होती मैं आता हूँ आपके पास अभी यादव जी ने बहुत बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि मैं पर्टिकुलर पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ
ये समाज ही खुद को अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से दोहरा चरित्र दोहरा मापदंड अपनाया जाता है कि कोई कुछ बोल दिया तो आप निकल आएंगे सर तन से जुदा करने लगेंगे, और जब सर तन से जुदा हो जा रहा है उसके बाद समाज का एक सारा तबका शांत बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं कंडेम कर रहा है इसको? मुझे दिक्कत उन पागल मुसलमानों से नहीं है जिन्हें ये जघन्य हत्याएं की, मुझे दिक्कत उन मुसलमानों से, उन अच्छे मुसलमानों से है जो समाज में गंगा जमुनी तहजीब की धारा तो बहाते हैं लेकिन वो चुप हो जाते हैं और उसको मौन समर्थन देते हैं ऐसी घटनाओं। मैं नितिन जी कहना चाहता हूं, जवाब दे दूं। नहीं नहीं अभी मैं इलेक्शन उधर लगाया ना मेरे पास। नितिन जी आपको शायद अभी मालूम होगा कुछ अरसे पहले राजस्थान में क्या हुआ था कि जैन साहब को लोगों ने मार दिया था, क्या समझ के कि ये मुस्लिम है? नहीं नहीं रोहिंग्या के लिए अमर जवान ज्योति तोड़ दिया है, कन्हैया के लिए कितने मुसलमान निकले? ये यहाँ पे हिंदुस्तान में सिर्फ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर लंचन लगाते हैं कि तुम्हारी हदीस में ऐसा लिखा है, तुम्हारे ग्रंथ में। मैं कहता हूँ किसी ग्रंथ में गलत नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में, किसी इनके भी ग्रंथ में सुभाष यादव मेरे चोरी को लिखा है कि गलत है, हमारे घर में भी ये गलत लिखा है। हमारे घर में भी अगर फिरौन शद्दाद नमरूद होते हैं तो इनके में रावण कंस होते हैं। दोनों धर्मों में बिल्कुल स्पष्टता है कि दोनों सच्चाई है, लेकिन अगर हम किसी भी एक मजहब को लेकर अगर ठहराएंगे कि ये मुस्लिम सब आतंकवादी है या तालिबानी है तो मैं कहता हूँ ये गलत है। अगर किसी भी तालिबानी का कोई अच्छा नेता आप किसी भी तोड़ देते हैं, सवाल है आज उनके उनसे। ठीक है अनुराग हो गया प्लीज। मैं अनुराग जी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये डिबेट खत्म हो जाएगी, इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप इसको पढ़िए देखिएगा। इसके अंदर आपने बोला है आप पूरे समाज को कटघरे के अंदर खड़े कर रहे हैं, पूरे समाज को कटघरे कर रहे हैं। कोई धर्म नहीं, कोई धर्म है बिल्कुल, कोई धर्म चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई धर्म इस प्रकार की कट्टरता को धर्मांतों को बढ़ावा नहीं देता है। आप किसी एक व्यक्ति को दोषी को लेकर पूरे समाज को पूरे धर्म को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बारे में आप बोलिए, उसके साबरी साहब जिम्मेदार होंगे, इसका मतलब क्या होगा? अनुराग जी कह रहे हैं कि पूरा समाज जिम्मेदार है, तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि एक औरत गाजियाबाद में अपने पोते को निकली है शॉपिंग कराने, उसको भीड़ ने घेर करके बुरी तरह मारा, दौड़ाया उसके पूरी नग्न हो गई वो, आप बताएं आप कहाँ खड़े थे? चलिए हम आपके समाज को तो नहीं कहते हैं, हाँ आप कहाँ खड़े थे आप ये बता दीजिए। बिल्कुल उसका विरोध कर रहा हूं, आप कहाँ खड़े उसका विरोध कर रहा हूं। इससे पहले नितिन जी अहिया नंद ने एक बच्चा भटक के उनके आश्रम में चला गया था पानी के लिए, किया गया था, ये गलत है। ऐसे कुछ लोग हैं जो देश के देश की एकता घटना को बिगाड़ना चाह रहे हैं। ठीक है हो गया सवाल भाई, क्या कह रहे हैं आप? ठाकुर कहाँ गया था? आप आते प्रदर्शन करे, कितना धरना दिया था? कोई भी मुसलमान उनके उसके विरोध में नहीं बोला कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो घटना पर कैसे बोल देगा? रियाज की घटना पर कैसे बोल देगा? बोल देगा बस। साबरी साहब से एक सवाल मैंने किया कि साबरी साहब से इतना बोल दे, देश जानना चाह रहा है कि रियाद ने जो घटना की वो शरीयत के खिलाफ है या नहीं, लेकिन साबरी साहब की जबान नहीं हिल रही है। कैसे नहीं ले? मैंने सबसे पहले कि आप बहरे साबरी साहब देश सुनना चाह रहा है, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है कि रियाज ने जो घटना की है वो शरीयत के खिलाफ है या नहीं है? शरीयत तो दिया भी नहीं कि क्या रियाज को ये काम करना चाहिए था? चार बार अभी यही सिखाया गया है, पूरा जवाब दे दीजिए आप। नहीं मिलेगा, हमने बताया पहले, हमने कह दिया नहीं मिलेगा। शरीयत तो छोड़ दीजिए, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कहीं कोई इसका क्योंकि पाकिस्तान यही मेरा सवाल है, छोड़ दे रहे हो। यही मेरा प्रश्न था जो मैंने उठाया। आप नितिन जी पूछ लीजिए साबरी साहब, साबरी साहब देखिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो जवाब दे दीजिए। वो पूछ रहे हैं शरीयत के खिलाफ है जी, नितिन जी शरीयत के जवाब दे रहे हैं, रियाज ने शरीयत के खिलाफ काम किया है, बल्कि शरीयत के खिलाफ जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, शरीयत के हिसाब से नहीं चाहिए। ठीक है जवाब ले ले। हां साबरी साहब, साबरी साहब इन्हें हाथ में इनका खराब है। हम ये कह रहे हैं शरीयत शरीयत में नितिन जी इस तरीके की घटना तो छोड़ दीजिए, किसी को गाली देने का भी अधिकार इस्लाम ने नहीं दिया है। नितिन जी बता दीजिए क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। किसी को गाली देना भी अपराध है, इस तरह की घटना तो छोड़ दीजिए। अरे नितिन जी छोड़िए, किसी का मजाक उड़ाना भी गलत है। कुरान की सूरह अहज़ाब की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्तग़फिरूना खताया। बिल्कुल आराम, मैं तो कहूंगा कि आप सब लोग सड़क पर उतर कर इस तरह की घटनाओं का विरोध करो भाई। सब सब किसी भी साहब आए
मैं साथ में हूँ साबरी साहब के, आप आए तो सड़क पे हम सबको ही निकलना पड़ेगा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। जुम्मा है शायद उसके अंदर, फिर मैं माफी मांगूंगा आपसे, मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे माफी मांगूंगा। ठीक है, समय कम है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी ना मांगे सब लोग अपनी देश की एकता अखंडता के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए थे। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं देश प्रदेश में बढ़ रही हैं उससे कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ जो जो नफरत है उसका माहौल जो माहौल है वो लगातार पनपते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, हमारी देश को देखते हुए हमारी जिम्मेदारियों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हमें और आपको लोगों के बीच जा कर के कहीं ना कहीं माहौल को सुधारने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।